शुक्रिया, आप सबने बहुत मन से सुना। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ और एक और कवि को आपके बीच आमंत्रण देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि जिस प्रकार समय अपनी गति से भाग रहा है, हम सबको अपने काव्य पाठ को बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप सब तक पहुँचाना है। जो लोग जाने के क्रम में है वो थोड़ा सा और शीघ्रता करके निकल जाए। हाँ नहीं, जाने वालों को कौन रोक सका है? और जो लोग बैठने के क्रम में है या जो लोग बहुत देर से प्रतीक्षारत थे, खड़े थे कि कोई उठे तो बैठूं, तो अब उनके लिए ये सुनहरा मौका है। फिर भी यदि खड़े ही रहना है और फोटो ही खींचते रहना है तो आपका मन है। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ और जिन्हें आमंत्रण देती हूँ उनका नाम होता है दान बहादुर जी। दान बहादुर जी, अच्छा आप ही हैं दान बहादुर जी। मैं पंक्तियां क्या पंक्तियां क्या आप आ जाइए, मैं तो बस निवेदित ही कर रही थी। नहीं नहीं, मैं तो केवल एक बात कह रही थी। नहीं, बहादुर तो लग रहे थे, बस एक बात कहती हूँ कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। आप सबकी आवाज आती रहे। तबरेज़ जी बहुत शानदार बात कर रहे थे, दिल तोड़ने की, जोड़ने की, और आप सब बहुत मन से सुन भी रहे थे। मैं उन तक भी ये सलाह पहुंचा देती हूँ, कह रहे थे साथ जाना है, तब मैं कहती हूँ कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे हाथों की लकीरें भी यही कहती है अंबर, मेरे हाथों की लकीरें भी यही कहती है अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना, ये मोहब्बत है जरा जोर समझ कर करना। एक बार जोरदार तालियां हो दुर्गा बहादुर जी की। दान बहादुर, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत देखना चाह रही थी कि आप है जरा सोच समझ कर करना। मुझे देखते ही मेरा नाम भूल बैठे। क्या बात है। नहीं बहुत बढ़िया, मैं ऐसे ऐसे साथियों से बहुत प्रभावित होती हूँ जो नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में लेते हैं। मतलब मैं नाम भूल गई, याद रखने लायक नहीं था, उन्होंने कितना पॉजिटिविटी में लिया। आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व जो है नेगेटिव होना चाहता है, पॉजिटिव कोई तो होना ही नहीं चाहता है। और आपके मुंह से अपना नाम सुन के ही दिल बाग बाग हो गया। पहले एक बार हर हर महादेव, ये ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। और इसलिए कि मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, लंदन न्यूयॉर्क और जहां से भी, एक बनारसी की तुलना करने जा रहा हूँ। सुनिएगा कि भूला बिसरा गीत नहीं मैं, भूला बिसरा गीत नहीं मैं जो गाया ही ना जाए, भूला बिसरा गीत नहीं मैं जो गाया ही ना जाए, मैं हूँ ईश्वर का वो मंत्र मधुर जो अंतर मन से सुना जाए। यह हर बनारसी का मिजाज है कि भूला बिसरा गीत नहीं मैं जो गाया ही ना जाए, मैं हूँ ईश्वर का वो मंत्र मधुर जो अंतर मन से सुमरा जाए। और बाजारों का वो शोर नहीं मैं, बाजारों का वो शोर नहीं मैं जो मन विचलित कर जाए, बाजारों का वो शोर नहीं मैं जो मन विचलित कर जाए, मंदिर का वो शंखनाद हूँ जो सबको सम्मोहित कर जाए, मंदिर का वो शंखनाद हूँ जो सबको सम्मोहित कर जाए। और ढलती सांझ का वो रंग नहीं, गौर कीजिएगा कि ढलती सांझ का वो रंग नहीं जो रात प्रहर में खो जाए, ढलती सांझ का वो रंग नहीं जो रात प्रहर में खो जाए, मैं हूँ सिंदूरी रंग चटक जो नववधु का सुहाग कहलाए, ढलती सांझ का वो रंग नहीं जो रात प्रहर में खो जाए, मैं हूँ सिंदूरी रंग चटक जो नववधु का सुहाग कहलाए। और चंदन की चिता नहीं मैं, चंदन की चिता नहीं मैं जो मृत्यु समय में बस जल जाए, ये बनारस का मिजाज है। चंदन की चिता नहीं मैं जो मृत्यु समय में जल जाए, मैं हूँ वो हव्य हवन का जो हर घर मंगल कर जाए, मैं हूँ वो हव्य हवन का जो हर घर मंगल कर जाए। और नहीं हूँ मैं राग मल्हार ना ही कोई शास्त्र महा, बहुत पेचीदा चीज नहीं हूँ कि जिस जिसको बहुत समझा जाए, नहीं हूँ मैं राग मल्हार और ना ही कोई शास्त्र महा, मैं तो हूँ माँ की लोरी सदियों से जो गाई जाए। क्या बात है। मैं तो हूँ माँ की लोरी सदियों से जो गाई जाए। और मैं सिंहासन का अभिमान नहीं, मैं सिंहासन का अभिमान नहीं और ना ही कोई युद्ध घोष, मैं सिंहासन का अभिमान नहीं ना ही कोई युद्ध घो, मैं तो हूँ बुद्ध का शांति मार्ग सिकंदर का अभियान नहीं, मैं तो हूँ बुद्ध का शांति मार्ग सिकंदर का अभियान नहीं। और
चांद अंबर जी बैठी हुई हैं और बनारस के नौजवानों की तरफ से मुझको कहने के लिए निवेदित किया गया। खैर मेरी मैसेज भी आई हुई है, इस मोहल्ले की सारी चीजें हैं। हां सुनाएं, मेरी मैसेज भी आई हुई है, इसीलिए मैं सार्वजनिक सबको लेकर चल रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद कहता कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसीलिए भाई सामूहिकता बनी रहे। मुझे मुझे आकर्षित किया गया था कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, एक गीत है वो जरूर सुनाएं, अब मैं आज जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाइए, आपको जोड़े से सुनाऊंगा, इसीलिए वो मेरे डॉक्टर मेरे साथ आई हुई है। स्वागत है। ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, इन सर्दियों मेरे शहर आई हो गया। ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा इन सर्दियों मेरे शहर आए हो क्या, और बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या, और अचानक ही चर्चे में आ गया हूँ, है ना, कि यार दोस्त होते कहा गुरु एक बड़ी सुंदर लड़की तुके पूछत रही, और अगर ऐसे लोग अगर मेरा नाम ले ले तो चर्चे में तो आ ही जाऊंगा, और उस पे भी क्या है अगली लाइन सुनिएगा, उस पे भी भूल जाए तो और चर्चे में। क्या बात है, ये सम्मोहन है कि आदमी नाम भूल जाता है। तो अचानक ही चर्चे में आ गया हूँ मैं, अचानक ही चर्चे में आ गया हूँ मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो गया, बहुत बढ़िया, अचानक ही चर्चे में आ गया हूँ मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो गया, और बेवक्त कोहरा हवाओं में नरम गया। बस 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 आपकी दाद मिल गई, क्या क्या जा। और 26 जनवरी को ऐसा मौसम होता नहीं है, ये हुआ क्यों है? मैं याद वो बता, आज 26 जनवरी है, 14 फरवरी है, लेकिन आप कावे पाठ करें। अब क्या करूं, आपके आने पे हर दिन ये बसंत ऋतु हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेवक्त कोहरा और हवाओं में नरमी, गेसुए पुरखम कहीं लहराए हो गया, बेवक्त कोहरा हवाओं में नरमी, गेसुए पुरखम कहीं लहराए हो क्या। और आखिरी शेर है कि बिजलियां गिरी हैं शहर में नादान, बिजलियां गिरी हैं शहर में नादान, नकाब को चेहरे से सरकाए हो क्या। क्या बात है, धन्यवाद।